हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थंबनेल देख के आपको पता लग ही चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेथ एंड पेशेंस का ये 10 मिनट हर्बल वैक्स, जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे इस प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाए एंड इसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो यार, मैंने ये ऑर्डर किया है एंड ये कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। तो यार, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन सल्फेट एंड पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, पेनलेस है एंड नो साइड इफ़ेक्ट है, जो कि यहाँ पे लिखा है, पीछे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हर एक चीज़ कैसे यूज़ करना है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो या चलिए प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं एंड ट्राई करने के बाद बताते हैं आपको कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो या चलिए ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसका पैकेजिंग है, अब इसको खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक ब्रश मिलता है एंड ये हर्बल वैक्स पाउडर और एक वुडन स्पून मिल जाता है। अपने क्वांटिटी के अनुसार पाउडर ले रही हूँ एंड इसको मैं मिक्स करूँगी नॉर्मल वाटर के साथ। तो हमारा पैक तैयार है एंड आप देख सकते हो मेरे पैरों पे बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रखा है एंड बहुत थिक हेयर है। तो अब देखते हैं ये जो पैक है कितने अच्छे से ये हेयर रिमूव कर पाता है। अभी ये जो पैक है वो मैं यूज़ करूँगी पैरों पे एंड देखते हैं कितने अच्छे से रिमूव होता है हेयर। तो मैं अभी ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ जो मुझे इस वैक्स पाउडर के साथ मिला है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे हम लोग हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करने के कुछ टाइम बाद हेयर ऐसे कर्ल हो जाता है, वैसे ये पैक भी यूज़ करने के कुछ टाइम बाद हेयर कर्ल होने लग गया है, जो कि मुझे सेम चीज़ लगा। एंड अभी 15 मिनट रखने के बाद ये सूख गया है, थोड़ा थिक लेयर हो गया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट फाइनली ये सूख गया एंड अभी मैं इसको निकालूंगी। गीले टावल मैं यूज़ नहीं करूंगी, ज़्यादातर लोग गीले टावल यूज़ करते हैं। ये जो पैक है ये डिटेन का काम करता है, अगर आप रब करके उठाओगे तो ये जो डेड स्किन सेल्स है वो भी आपका निकल जाएगा, तो इसलिए मैं रब करके उठाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड जो हेयर है वो भी बहुत ही अच्छे से रिमूव हो रहा है, आप देख सकते हो। तो
आप देख सकते हो मैंने ये रब करके पैक रिमूव किया है एंड मेरे जो हेयर्स है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये काफ़ी यूजफुल है एंड ये है फाइनल लुक। अब देख सकते हो मेरे जो हेयर्स है वो बहुत ही अच्छे से निकल गया है। मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड इसका जो एक्सपीरियंस रहा, तो इसका जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है या बहुत ख़राब प्रोडक्ट है, नो अच्छा प्रोडक्ट है, बट उतना ख़ास भी नहीं लगा जिस हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है। तो इसका जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है एंड इसका जो प्राइस है वो है 650, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव लगा मुझे। उतना प्राइस नहीं होना चाहिए था, या फिर आप लोग इसका क्वांटिटी बढ़ा सकते थे। ये ना मुझे हेयर रिमूवल क्रीम वाला फील दे रहा था एंड आप जिस दिन यूज़ करोगे अगले दिन आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है इसका जो प्राइस रखा है इन्होंने, प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग हेयर रिमूवल क्रीम ही यूज़ कर सकते हैं, हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब काम ही ऐसा है तो हम क्यों इतना महंगा खरीदें। लेकिन अगर आप लोग जो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, हर्बल यूज़ करना चाहते हो, वो लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। बाकी इसका कुछ खास ऐसा नहीं है, नॉर्मल हेयर रिमूवल जैसा ही काम होता है इसका। बाकी ये जो है पैक जैसा दिखता है, जो हम फेस पैक वगैरह बॉडी पैक लगाते हैं वैसा दिखता है, तो आप इसको ओपनली यूज़ कर सकते हो, बिकिनी वैक्स भी कर सकते हो। बस फेस पे नहीं लगाना है, क्योंकि फेस पे लगाओगे तो फेस बर्न हो जाता है, स्किन बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, तो गलती से भी आप फेस पे मत लगाना। एंड ये 10-12 मिनट्स है, आप नहाने से पहले भी इसको ट्राई कर सकते हो, थोड़ी देर रख के फिर रब करोगे तो ये निकल जाता है, सारा जो हेयर है वो रिमूव हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बाकी ऐसा उतना कुछ नहीं है, नॉर्मल जो हेयर रिमूवल क्रीम है वैसा ही है, उतना खास कुछ नहीं है। इसके अंदर आपको एक ब्रश मिल जाता है, एक वुडन स्पून मिल जाता है। आई थिंक इसके लिए भी थोड़ा प्राइस हाई है, बट अगर मुझसे पूछोगे कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि जो लोग हर्बल प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहते हो वो लोग ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड जो लोग हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्किन पे, वो लोग ये ना ही लो तो बेटर है। फालतू में इतना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कम प्राइस में हेयर रिमूवल क्रीम आ जाता है, आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। तो या इसके बारे में और क्या बताना है, बस इतना ही है। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसा प्रोडक्ट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आपके स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप लोग अगर क्रीम यूज़ कर सकते हो तो क्रीम यूज़ करें, अगर आपको हर्बल ही यूज़ करना है तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड जो लोग वैक्सिंग करते हैं, ये प्रोडक्ट उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।